हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता वर्मा अपने चैनल गार्डनिंग टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि घर पर हम पान को कैसे ग्रो करते हैं और उसकी केयर कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, पान एक पवित्र पौधा है और एक फेमस डेजर्ट है। अनेक रोगों में इसका इस्तेमाल होता है। पान के पत्तों में कई देवताओं का वास होता है, ऐसा हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार माना जाता है। और इसके प्रयोग से बताते हैं कि इसके प्रयोग से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इसीलिए जो दिवाली पूजन है या कोई भी कथा इत्यादि होती है तो उसमें हम सबसे पहले पान का पत्ता रखते हैं। इसका नाम, इसे पेपर बीटल कहते हैं। यह कई वर्षों तक रहने वाला एक हर्ब है जिसको हम कंटेनर, बास्केट या ग्राउंड में कहीं भी लगा सकते हैं। इसका पत्ता बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत आसानी से एक स्टिक को सपोर्ट देकर, ऐसे एक स्टिक के सपोर्ट देकर हम इसे बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इसके लिए एक तो मिट्टी जो है हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि पानी कई दिन तक ना रुक सके, क्योंकि इसमें हमें हर रोज़ पानी देना होता है। इसे मॉइस्ट सॉयल और मॉइस्ट ज़्यादा पसंद है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा पसंद है इस प्लांट को। और इसमें, क्योंकि ये लीव्स है इसमें ज़्यादा, और जितनी ज़्यादा लीव ग्रो करनी होती है उसके लिए हमें उतना ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए हमें समय समय पर गोबर की खाद डालना पड़ता है। इसे धूप ठीक पसंद होती है, मतलब ज़्यादा धूप में ये ग्रो नहीं करता, तो इसलिए मैंने ये प्लांट को ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पर कि एक या दो घंटे की धूप आती है। अब इसके ऊपर सुबह की धूप पड़ रही है ना, क्योंकि तो इसलिए इसकी पत्तियों में लगातार इस तरह चमक आ रही है, नहीं तो लश ग्रीन लीव्स हैं इसकी, एकदम ग्रीन हरा भरा। करीब 3-4 महीने पहले ये प्लांट मैंने लगाया था। और बस मेन तो इसका ध्यान रखने की यही बात होती है कि इसे जो है मॉइस्ट पसंद है। अब जैसे इसकी ये है, ये जूट की बनाई हुई है, इसे हर रोज़ गीला करना पड़ता है जिससे कि इसकी पत्ती अच्छी तरह ग्रो करे। इसमें एक जड़ें होती हैं, जैसे मनी प्लांट में होती हैं रूट्स, इस तरह इसमें भी ये रूट्स होती है जो कि इसके अंदर एंटर कर जाती है। और ये खाने में बहुत अधिक टेस्टी लगता है। इसका पत्ते, ये जो इसके नीचे वाले पत्ते हैं, ये अक्सर तोड़ते रहना चाहिए जिससे कि इसमें नए नए पत्ते फिर ग्रो करें। वैसे मैंने अभी इसके पत्ते तोड़ने शुरू नहीं किए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी तक नहीं बढ़ा। इसकी हाइट बस इस टावर जितनी ही है। और फ्रेंड्स, अगर इसके पत्तों के ऊपर मिश्री और छोटी इलायची रखकर इस्तेमाल किया जाए, उसे हम जैसे खाने के बाद खाते हैं, तो उससे हमारा डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक अल्सर इत्यादि ठीक हो जाते हैं। और माउथ फ्रेशनर का तो काम करता ही है पान, तो ये तो सभी जानते हैं कि भाई ये एक अच्छा माउथ फ्रेशनर है। तो इस तरह फ्रेंड्स, आप भी अपने घर पान उगाएँ और अपने गार्डन की शोभा बढ़ाए। साथ ही साथ ये एक, क्योंकि मेडिसिनल हर्ब है तो इसलिए बहुत ही यूज़फुल प्लांट है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देती रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।